आपको करना क्या है, बीपी हाई है, शुगर है या क्रिटिनिन हाई है, तो आपने 12 बजे तक, ये आपका नाश्ता है, 12 बजे तक आपने 5 तरह के फ्रूट्स, कोई भी 5 तरह के फ्रूट्स लेकर इसका आपको नाश्ता करना है सबसे पहले। इसके अलावा 12 बजे तक मैंने बताया आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं 12 बजे तक, अगर आपको पका हुआ खाना भी खाना है तो इसके बाद में खाना है। इसके अलावा दोपहर को और शाम को खाने में जितना आपका वजन गुणा 5 ग्राम, आपको पहले सैलड खानी है, ये आपको सलाद लेनी है, इसमें आपका चुकंदर है, टमाटर है, मूली है, खीरा है, प्याज कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने रॉ सैलड भी रखी हुई है। इससे होता क्या है, बेसिकली जब ये फ्रूट्स खाते हो, सैलड खाते हो, तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में क्लीनिंग शुरू हो जाती है, इस किडनी में फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। और जो मैंने आपको ये करेला और नीम बताया था, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं, जैसे इनके पाँव इसके ऊपर चल रहे हैं तो धीरे धीरे 3 से 5 मिनट में इनकी जीभ पर इसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ऐसे कर रहे हो अपने आप को, तो अभी आपके बॉडी में थोड़ी देर में इसका टेस्ट आ जाएगा, यानी कि करेला और नीम जो पाँव के रस्ते हम इनको मथ रहे हैं, इसका टेस्ट इनके मुंह में आएगा। जब तक टेस्ट आएगा बता देना, जब इसका टेस्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। सुना है बचपन से नीम क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटीफंगल है, स्किन की बीमारियों को ठीक करता है, खून को साफ करता है।